you mm -hmm. नमस्कार प्रिय दर्शकों हाजिर हूं मैं 16 जुलाई 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की आज शनिवार है श्रावण मास कृष्ण पक्ष की आज तृतीय तिथि है जो दोपहर एक बज करके सत्ताईस मिनट तक है और इसके पश्चात चतुर्थी है धनिष्ठा नक्षत्र दिन में तीन बज करके दस मिनट तक है और इसके पश्चात शतभिखा नक्षत्र है आयुष्मान योग विष्टिकरण है बात हुई पंचांग की चंद्रमा आज राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में ग्यारह बजकर के सैंतीस मिनट से दोपहर बारह बजकर के इकतीस मिनट तक का होगा वहीं काल प्रातः नौ बजे से साढ़े दस बजे तक जैसा कि आप सभी जानते हैं कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चुरकाल तक लाभ लेना हो ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए यह अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए आज कर्क की संक्रांति है भुवन भास्कर अपनी वर्तमान मिथुन राशि को छोड़कर आज कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत भी है प्रत्येक गृहस्थाश्रमी को चाहिए कि आज गजानन की वो आराधना अवश्य करे क्योंकि हर किसी के जीवन में कोई ना कोई कष्ट परेशानी लगी ही है गजानन हर तरह के कष्ट परेशानी से दुख से आपको बाहर निकालेंगे अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो कम से कम गणेश जी के मंदिर में आज दर्शन करने अवश्य जाइए दूरबा अवश्य अर्पित करिए गणेश जी को आज का दिव्य महाप्रयोग कुंडली के सप्तम भाव से संबंधित है वो कौन से कारण हैं जिसके चलते आपका दाम्पत्य जीवन दुखद हो रहा है वो कौन सी ग्रह स्थिति है जिसने आपके दाम्पत्य को खराब कर रखा है वो कौन सी राशियां हैं जिन्हें बहुत ज्यादा सुखद दाम्पत्य प्राप्त नहीं हो पाता इन सभी विषयों की चर्चा आज हम दिव्य महाप्रयोग में करेंगे दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की मंगल और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं शुक्र और बुध युति बनाकर मिथुन में आज सूर्य परिवर्तित होकर के कर्क में चले जाएंगे और केतु तुला में है शनिदेव आज मकर में है और चंद्रमा आज कुंभ में देव गुरु बृहस्पति मीन राशि में संचरण करें यह है ग्रह स्थिति तो चंद्रमा को आज देखें तो ये मंगल के नक्षत्र में रहने वाले हैं और गोचर कुंडली में एक सूर्य का परिवर्तन तो सूर्य के परिवर्तन की वैसे तो बृहद चर्चा मैंने करती है लेकिन फिर भी आज इसको हम राशिफल में कहीं ना कहीं सम्मिलित करेंगे सूर्य के प्रभाव को मंगल के नक्षत्र में संचरण करें चंद्रमा आज आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे क्योंकि दिन शनिवार का है विस्फोटक स्थिति उत्पन्न करने वाली स्थिति बन जाती है तो किन वो कौन सी राशियां हैं जिन्हें विशेष रूप से आज सावधान रहना है कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है और कौन सा उपाय करना है जिससे आज आपका दिन ये श्रेष्ठ बीते इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे तो ये है ग्रह स्थिति इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है दैनिक राशिफल तैयार किया है वो वोने दर्शकों मेरे राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं प्रिय दर्शकों सबसे पहले तो हम मुहूर्त की चर्चा अगर करें तो इक्कीस जुलाई दिन गुरुवार का का स्नान का मुहूर्त मिल रहा है दीक्षा ग्रहण करने का और साथ ही साथ ऋण ग्रहण करने का ऋण ग्रहण के जो मुहूर्त होते हैं ये बड़े मायने के होते हैं अगर आपको कहीं ऋण लेना हो तो जरूर ऋण ग्रहण करिए क्योंकि ऐसी अवस्था में ये ऋण ही आपके लिए विशेष लाभप्रद स्थिति उत्पन्न कर देता है या यूं कहा जाए तो एक बार ऐसा ऋण लेने से आप विकास की ओर अग्रसर हो जाते हैं रोग विमुक्ति स्नान का भी मुहूर्त है प्रातः नौ बजकर के सोलह मिनट से ग्यारह बजकर के तीस मिनट तक तो ये सभी जो मुहूर्त मैंने बताया नौ बजकर के सोलह मिनट से ग्यारह बजकर के तीस मिनट के बीच है आप ये सभी कार्य कर सकते हैं हम सूत्रों की ओर चलते हैं और जन्म कुंडली के सप्तम भाव की चर्चा करते हैं प्रिय दर्शकों जन्म कुंडली का ये जो सप्तम भाव है असल में देखा जाए तो ये भाव संपूर्ण रूप से कही कहीं ना कहीं लग्न के जैसा ही है यह भाव आपके व्यक्तित्व तो को ही प्रदर्शित करता है इस भाव पर देखा जाए तो जन्म कुंडली के सप्तम भाव में शनिदेव दिग्वली होते हैं और शनिदेव पाप ग्रह हैं परंतु पाप ग्रह का संबंध इस भाव से कदापि अच्छा नहीं कहा जा सकता है इस भाव में शुभ शुभ ग्रह ग्रह का होना या की दृष्टि ही श्रेष्ठ मानी जाएगी इसी से यह भाव सुखद फल देने वाला बनता है शुभ फल देने वाला बनता है और यह भाव बलवान होता है सप्तम भाव का स्वामी यदि जन्म कुंडली के तृक भाव अर्थात छह आठ बारह में जाकर के बैठ जाए तब भी जातक को दाम्पत्य सुख कभी प्राप्त नहीं हो सकता या यूं कहिए कि इससे ये भाव कमजोर हो जाता है अगर सप्तम पति जाकर के ष्ठ में बैठ जाए तो जातक का दाम्पत्य जीवन टूटने की प्रबल संभावना अथवा जातक की जो पति या पत्नी जो भी हो वो आजीवन रुग्ण रहने लगते हैं अष्टम या द्वादश में भी लगभग यही स्थिति बनी रहती है दाम्पत्य जीवन तबाही रहता है ज्योतिष तो शास्त्र का मानना है कि सप्तमस्थ अगर मंगल हो और ऐसे मंगल पर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो दाम्पत्य विच्छेद के प्रबल योग बन जाते हैं सप्तमस्थ मकर राशिगत अगर गुरु हो अथवा सूर्य या शुक्र की युति भी सप्तम भाव में हो तो ऐसे में भी जातक को दाम्पत्य का संपूर्ण सुख प्राप्त नहीं हो पाता या कहिए कि इससे सप्तम भाव खराब हो जाता है जन्म कुंडली में गुरु या आपके शुक्र भी पीड़ित हों जैसे नीच के हों, अस्त हों, या मृत हों, या पापग्रह से दृष्ट हों पाप मध्यत्व में हो तब भी जातक का जो दाम्पत्य जीवन है वो कहीं ना कहीं कमजोर देखने को मिलेगा उदासीन होगा अब यहां शुक्र और गुरु की बात जब मैंने कही है तो जरा समझना होगा शुक्र स्त्री हो या पुरुष दोनों के लिए दाम्पत्य के कारक हैं देव गुरु विवाह कराने के कारक हैं परंतु स्त्री की कुंडली में पति का कारक बन जाते हैं देवपति के कारक बन जाते हैं देवगुरु और स्त्री की कुंडली में पति के, कार... के कारक शुक्र ही होते हैं तो इन दोनों का कमजोर होना दोनों के जीवन काल के लिए जैसे स्त्री की कुंडली में गुरु कमजोर हुए पड़े हैं तो यह दाम्पत्य को उदासीन बना देते हैं जन्म कुंडली के सप्तम भाव में हम ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत से ग्रहों की युतियां अच्छी होंगी यहां तक कि मैं ये बात भी आपको बता दूं कि सप्तम भाव में बहुत अधिक अगर शुभ ग्रह ही युति बना लें तब भी इसको अच्छा नहीं माना जाएगा यानी इसका एक मतलब यह भी है कि यह भाव पहले तो सुप्त न हो और इसमें कम से कम ही ग्रहों शुभ ग्रह हो परंतु बहुत ज्यादा शुभ ग्रहों का संबंध भी अच्छा नहीं क्यों क्योंकि पुरुष की कुंडली में अगर शुक्र या चंद्रमा का सप्तम से संबंध बन जाए यानी शुक्र बैठे हो या चंद्रमा बैठे हों तब भी जातक का दाम्पत्य कभी सुखद होते नहीं देखा गया है दाम्पत्य जीवन में परेशानी पाई गई है यानी एक बात तो तय है कि जिस तरह के ग्रह का संबंध सप्तम से होगा जातक का जीवन साथी उसी ग्रह के स्वभाव वाला होगा लेकिन बहुत से ग्रहों का यह होना समझ लीजिए कि दाम्पत्य जीवन को किस मोड़ पर ले जाएगा किस स्थिति में तो पाप ग्रह का तो विचार ही मत करिए शुभ ग्रह की भी बात मैंने कही है कि बहुत ज्यादा शुभ ग्रह भी इस भाव में अगर संबंध बना ले युति बना ले तब भी ये भाव खराब ही होता है इस भाव का आप जानते हैं हो में होना कतई ठीक नहीं कहा जा सकता जा तक आजीवन सुखद दाम्पत्य के लिए ललायित रहेगा हाँ शुभ कर्तरी योग होने से इस भाव को बल अवश्य मिलता है सप्तमेश यदि जन्म कुंडली में केंद्र अथवा त्रिकोण में हो केंद्र जानते हैं तो सप्तम में एक चार सात दस में और ऐसे में अगर शुभ ग्रह से दृष्ट हो जाए तब जातक का दाम्पत्य जीवन कहीं ना कहीं ज्यादा सुखद होगा और सप्तमेश कहीं भी बैठकर के जन्म कुंडली में अगर पापा ग्रह से दृष्ट हो रहे हैं तो जातक का जो दाम्पत्य जीवन है वो अल्प सुख देने वाला या कष्ट प्रदायक बन जाएगा दाम्पत्य सुखद दाम्पत्य के ऐसा जातक तो तरसता ही रह जाएगा सप्तम पति यदि जन्म कुंडली के ष्ठ भाव में हो अथवा सप्तम में शनि राहु की युति हो मंगल राहु या सूर्य राहु की युति हो तब भी जातक का जो दाम्पत्य जीवन है वो कभी सुखद नहीं रह पाता एक और आखिरी सूत्र ये नौवां सूत्र है मैं नौ सूत्र आपको प्रत्येक भाव से संबंधित बताता रहा हूं पिछले दिनों में सभी भावों का आज सप्तम भाव का बता रहा हूं नौवा सूत्र कहता है कि यदि सप्तमेश कुंडली में नीच का हो और जिस राशि में वो नीच का हुआ है उसका राशिपति भी नीच का हो जाए तो ऐसे जातक क्या तो विवाह नहीं होंगे या विवाह हो जाए तब भी उसको दाम्पत्य का सुख प्राप्त नहीं होगा और अंत में एक और पॉइंट आपको बता देता हूं जाते जाते जो कई बार बता चुका हूं कि कर्क मकर सिंह और कुंभ कर्क मकर सिंह और कुंभ इसमें बढ़ते क्रम से बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा कर्क सिंह मकर और कुंभ में वृद्धि क्रम से कुंभ फिर भी दाम्पत्य सुख ले लेता है कर्क को बिल्कुल कम दाम्पत्य बहुत सुखद दाम्पत्य नहीं मिलता मकर की भी यही स्थिति होती है सिंह भी कहीं ना कहीं अपने ईगो या अहंकार या स्वभाव के कारण बहुत सुखद दाम्पत्य होने ही नहीं देता और कुंभ भी दार्शनिक विचारधारा या अपने आप में रहना या उदासीन वृत्ति के कारण एक बहुत सुखद दाम्पत्य नहीं देख पाता आशा करता हूं ये नौ सूत्र आपने सुना और ये बेहद सरल सूत्र थे आपने इन नौ सूत्रों को अवश्य ही कंठाग्र कर लिया होगा चलते हैं राशि फुल की ओर बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज एकादश में है लाभ भाव में संचरण करें मंगल के नक्षत्र में संचरण करें तो दिन ठीक है आपके लिए परंतु शनिवार के दिन होने के कारण आपको यह न के ना प्रकारेण सफलता के लिए प्रयत्न भूल कर भी नहीं करना चाहिए नहीं किसी मुसीबत में पड़ेंगे मुद्दा यह नहीं है कि मुसीबत में पड़ेंगे आज अगर किसी मुसीबत में पड़ते हैं तो लंबे समय के लिए कार्यस्थल पर भी ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी और किसी भी मामले में जादती नहीं करनी है का अर्थ अगर आपसे कोई नीचे का है आप बहुत ज्यादा उसको दबाते हैं तो समझ लिए मुसीबत में आप पड़ेंगे साथ के लोगों से मदद मिले या ना मिले वक्त पड़ने पर आप ही मदद करिए आज जान लीजिए कि छोटी मोटी परेशानियां ही बड़ा और उग्र रूप ले सकती हैं और आप भी कहीं उग्रता का स्वरूप धारण किए उग्रता आपने भी दिखाया तो आप मुसीबत में पड़ेंगे फिर तो लेने के देने पड़ सकते हैं निवेश के मामले में आप तैयार रहिए निवेश कर सकते हैं शेयर मार्केट इत्यादि अगर आज शनिवार को तो वैसे बंद रहता है परंतु कहीं और निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो करके वहाँ से लाभ उठा सकते हैं आप या लॉटरी इत्यादि से भी कहीं से लाभ मिलता है तो कर सकते हैं बस बाहर का भोजन मत करिएगा दाम्पत्य जीवन आपका ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है प्रेम संबंध में मजबूती है अगर कोई गलत फहमी उत्पन्न होगी तो उसे दूर करिए विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है विशेषकर कोई इंटरव्यू इत्यादि देने जा रहे हैं तो सफलता मिलेगी और मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा स्वास्थ्य के मामले में कोई परेशानी नहीं बाहर के भोजन से ही पेट से संबंधित परेशानी आपको हो सकती है आज भोलेनाथ की आराधना करिए सावन का महीना है शिव मंदिर में जाइए शिव जी का दर्शन करिए और साथ ही साथ शिव जी पर थोड़ा भांग अर्पित करिए इससे फायदा मिलेगा लकी अंग चार लकी कलर आपके लिए आज लाल है वृषभ के लिए भी आज के दिन को ठीक कहा जाएगा गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से दसम में होना दिन को उत्साहित बनाकर के रखेगा कुछ नया करने के लिए आपके अंदर बार बार ऊर्जा भरता रहेगा सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखना है परिवार और पारिवारिक मामलों पर पूरा ध्यान केंद्रित करिए परिवार के सदस्यों की बात आपको माननी होगी पारिवारिक स्थितियों को जब तक अपने नियंत्रण में लेकर के नहीं चलेंगे तब तक आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता कार्यस्थल पर देखा जाए तो दिन ठीक है आपके प्रस्ताव का समर्थन होगा पदोन्नति के योग बन रहे हैं और किसी भी तरह के निवेश के लिए ये समय बहुत ही ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है बिना जानकारी किसी से बात नहीं करनी है इधर की बात उधर नहीं करनी और सबसे जरूरी बात अगर आज बॉस से बात करना है तो बिल्कुल मधुरता के साथ जाकर के बात करिए बॉस आज आपकी बात अवश्य सुनेगा जीवन साथी के साथ भी संबंध में मधुरता आएगी परिवार का सहयोग आपको हर तरह से मिलने के कारण कोई खास आपका कार्य बनता दिखाई पड़ रहा है आप सफल होंगे विद्यार्थियों को सफलता मिलने के योग पढ़ाई में मन आपका लगने वाला है विशेष करके सरकारी नौकरी इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं कोई प्रतियोगी परीक्षा की तो दिन फायदा देने वाला है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है मुंह के छाले आपको आज परेशान कर सकते हैं शिव मंदिर में आज वस्त्र दान करिए सफेद वस्त्र कुछ भी लकी अंक दो लकी कलर क्रीम कोई भी सफेद वस्त्र दान कर सकते हैं मिथुन के लिए भी आज के दिन को देखा जाए तो मैं ठीक ठीक कहूंगा यानी फिफ्टी फिफ्टी बहुत अच्छा नहीं तो बहुत खराब भी नहीं ठीक ठीक बस अपनी महत्वाकांक्षा पर अंकुश लगाना होगा सफलता आपको मिलेगी पहल आपको करनी होगी कोशिश आपको करनी होगी लेकिन इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि सफलता पाने के लिए ये न के न प्रकार न कोई कार्य नहीं करना जो भी महत्वपूर्ण फैसला करना है सोच विचार करके करिए ऑफिस में है तो जो आपके साथ के लोग हैं जो आपके नीचे के लोग हैं उनको पूरा महत्व दीजिए धन आगमन की संभावना तो कम है परंतु अगर धन आता है तो सेविंग होगी व्यापारियों को व्यापार से संबंधित नए ऑफर मिलने वाले हैं भाग्य का साथ मिलेगा और सोचे हुए काम आप आज के आज ही शुरू कर सकते हैं क्योंकि मदद मिल जाएगी एक बात तय जानिए कि आत्मविश्वास तो आपको बनाए रखना ही है आत्मविश्वास के दम पर आप जोखिम भी उठा सकते हैं और सफलता तो आपको मिलेगी है प्यार का इजहार कर सकते हैं और एक मूल बात याद रखिएगा दूसरों के भरोसे नहीं रहना दूसरों की बातों में आने से भी बचना है लव लाइफ में अगर कोई गलत फहमी है तो वो दूर होगी लव लाइफ में अगर कोई परेशानी है तो उसे दूर करने का आपको प्रयत्न भी करना है अगर अपने ही बात पर अड़े हुए रहेंगे तो मुसीबत में पड़ेंगे विद्यार्थियों को जबरदस्त सफलता मिलेगी हर क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ है दिन और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी कमजोरी दिखाई पड़ रही है जैसे पेट में जलन इत्यादि की शिकायत संभव हनुमान जी के मंदिर में आज आपको जाना है हनुमान जी को तुलसी की माला अर्पित करनी है लकी अंक एक लकी कलर आपके लिए आज बादामी है कर्क के जातकों के लिए दिन ठीक नहीं है थोड़ी मानसिक अशांति और परेशानी बेचैनी और सबसे ज्यादा जरूरी है ध्यान देना इस बात का कि आज दुर्घटना की भी संभावना दिखाई पड़ रही है वाहन इत्यादि चलाते समय बहुत सावधान रहिए आज जरूरी क्या है जरूरी है अपने विचार साफ रखना विचार साफ रखने का मतलब किसी के लिए अपने मन में कुछ भी मत पालिए सामने वाला कैसा है अच्छा या बुरा इसके फेरे में आपको नहीं फंसना अपने काम से मतलब रखिए और आगे बढ़ने का प्रयत्न करिए रास्ते आपको मिलते चले जाएंगे कार्यस्थल पर देखें तो जो भी जिम्मेदारी आपको मिलती है उसे पूरी तरह से निभाने का प्रयत्न करिए आप सफल होंगे काम आपके पूरे बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और कोई बड़ा फैसला करने की सोच रहे हैं तो आज ना करें प्रेमियों के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है धैर्य से काम लेना होगा और प्रेम संबंध में अगर कोई परेशानी थी मतभेद इत्यादि था तो वो खत्म होता दिखाई पड़ रहा है बस एक बात का ध्यान रखिए बहस विवाद से बचने में ही भलाई है विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक ठाक है बहुत अच्छा नहीं तो बहुत खराब भी नहीं और स्वास्थ्य के मामले में सावधानी बेहद आवश्यक है एसिडिटी और गैस्ट्रिक इत्यादि से संबंधित अगर परेशानी है तो परेशानी बढ़ेगी गणेश जी के मंदिर में जाइए गणेश जी का दर्शन करिए अगर हो सके तो बेसन से बने लड्डू गणेश जी को अर्पित करिए लकी अंक तीन लकी कलर है आपके लिए स्काई ब्लू है शुंभ के जातकों के लिए आज के दिन को ठीक कहा जाएगा दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप छोड़ के रोजमर्रा के काम आपके पूरे होते दिखाई पड़ रहे हैं मेहनत से आपके सभी काम बनेंगे धन धन को लेकर के अगर चिंता थी तो धैर्य रखिए धैर्य रखने भर मात्र से धन संबंधी चिंता दूर होगी धन की स्थिति में अच्छा बदलाव होता दिखाई पड़ रहा है ऑफिस में कोई बड़ा कार्य आपको मिलने वाला है ऐसा कार्य जिसे अगर आप शत प्रतिशत सफल करें तो करियर में एक बड़ी उछाल आपको मिलने वाली है बड़ा बदलाव हो सकता है बड़ा फैस, एक बहुत बड़ा बदलाव दिखाई पड़ रहा है तो तैयार रहिए इसके लिए जरूरत पड़ने पर सलाह लीजिए छोटी मोटी अगर समस्या कोई थी तो वो खत्म होती दिखाई पड़ रही है मूड आपका ठीक है कार्यक्षेत्र में उन्नति के योग दिखाई पड़ रहे हैं फायदा आपको मिलेगा और नई नौ नौकरी ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है कार्यक्षेत्र में नए कार्य की शुरुआत होगी नए लोगों से मुलाकात के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं कर सकते हैं आज लव लाइफ के लिए दिन ठीक है दांपत्य जीवन बहुत सुखद नहीं और पार्टनरशिप में अगर आपका काम है तो पार्टनर से भी आज तूतू -तू मैं में मतभेद होने वाला है अगर किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं तो जरा सतर्क रहिएगा अभद्र भाषा गलत टीका टिप्पणी करने से बचिएगा विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन मेहनत थोड़ी ज्यादा होगी लेकिन सफलता मिलेगी और शुम्भ राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के घीका दिया वहीं पर जलाइए लकी अंक दो लकी कलर आपके आज पिंक है और बात अगर हम कन्या की करें दिन ठीक नहीं है बहुत तो योजना बना करके आगे बढ़ना है प्लानिंग के साथ ही आज का दिन हर तरह से आपको चिंता और परेशानी में डालेगा योजना बना करके ही आगे बढ़िए ताकि शांति से आज का दिन निकल जाए कोई बना बनाया काम बिगड़ता दिखाई पड़ रहा है नौकरी पैसा लोग अधिकारियों से आज परेशान रहेंगे व्यापारियों को भी व्यापार में अच्छा खासा नुकसान होता दिखाई पड़ रहा है किसी को उधार मत दीजिएगा नहीं पैसा फंस जाएगा और वाहन चलाते समय लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा हाँ जीवन साथी का साथ आपको जरूर मिलेगा प्रेमियों के लिए दिन सामान्य किसी बीती बात पर आज तकरार हो सकती है हालांकि बाद में सब संभल जाएगा और विद्यार्थियों की बात करूं तो पढ़ाई पर विशेष रूप से ध्यान रखना होगा मन पढ़ाई से आपका भटक रहा है स्वास्थ्य को लेकर के सतर, सतर्क हो जाइए सचेत हो जाइए क्योंकि पुरा, पुराना रोग आपको परेशान करेगा और आज घर के छत पर या कहीं आसपास ही पक्षियों के लिए दाना डाल दीजिए लकी अंक एक लकी कलर आप लिया हरा है तुला के लिए दिन ठीक है करियर में आगे बढ़ने की योजना अगर बना रहे हैं तो आगे बढ़िए दिन ठीक है जीवन एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं मेहनत से आप पीछे मत हटिएगा योजना बनाकर के आगे बढ़ते चले जाइए आज के दिन को का आपको फायदा मिलेगा करियर में कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं और समझदारी से काम लीजिए फायदा अवश्य होगा व्यापारियों हो के लिए भी दिन को मैं ठीक कहूंगा व्यापारिक मामलों में आज का दिन आपके लिए अनुकूल बना हुआ है योजना बना करके अगर आप काम करते हैं तो सफल होंगे व्यापार से संबंधित अगर कोई संशय कंफ्यूजन की स्थिति है तो समझ लीजिए बातचीत से पार्टनर से बातचीत करके वो कंफ्यूजन वो समस्या वो परेशानी दूर कर ली जा सकती है बहस विवाद से दूर रहना है लव लाइफ में थोड़ी सावधानी जरूरी है क्योंकि किसी सामान्य सी बात को लेकर के तू तू मैं हो सकती है और संभव है कि आपका कोई गुप्त भेद खुल जाए जिसे आप गोपनीय रखना चाहते थे ऐसा कोई गुप्त विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में आज कम लगने वाला है हालांकि एक बात बता दूं कि अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा में आप भाग ले रहे हैं तो वहां आप सफल होते दिखाई ऐसा परीक्षा जाएगा जो आपके लिए बढ़िया हो और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है फिर भी खान पान पर नियंत्रण रखिए और नहाने के जल में आज थोड़ा सा एक चुटकी सफेद तिल मिला लीजिएगा लकी अंक आठ लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है तो ही वृश्चिक के जातकों की बात करूं तो दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है गोचर कुंडली की स्थिति को देखा जाए तो यह दिन ठीक ठाक ही आपके लिए बना हुआ है तारीफ मान सम्मान आपको मिलने वाला है साथ के लोगों के बीच आपकी इज्जत बनी रहेगी आज एक मूल मंत्र आपको देता हूं वाणी पर नियंत्रण रखिए और कम बोलिए सुनिए ज्यादा इससे फायदा मिलेगा चाहे वह उच्चाधिकारी हो चाहे आसपास के लोग सभी आपके लिए मददगार साबित होंगे हर मामले में केवल धैर्य नहीं रखना वर्ण सबकी बात धैर्य के साथ सुनना भी है सफलता चाहते हैं तो शांति का दामन थाम लीजिए शांति के साथ आगे बढ़ेंगे सफलता मिलेगी व्यापारियों को व्यापार में अचानक फायदा मिलता दिखाई पड़ रहा है संपत्ति से जुड़े मामलों में अगर कोई महत्वपूर्ण सौदा इत्यादि होने वाला था तो आपका काम तो बनता दिखाई पड़ रहा है कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में न ले पारिवारिक संबंध अगर कहीं बिगड़ रहा है तो उसे ठीक करने का प्रयत्न करिए प्रेमियों के लिए बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है प्रेम संबंध में मधुरता बनी रहेगी विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करनी चाहिए क्योंकि सफलता के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है और स्वास्थ्य को लेकर के जरा सावधानी बरतीएगा कहीं चोट चपेट विशेष करके जलने जैसी कोई घटना घटित हो सकती है आज सभी वृश्चिक राशि के जातक हनुमान जी के मंदिर में जाएं और हनुमान जी का दर्शन करें केवल दर्शन करने और परिक्रमा कर लेने भर मात्र से आपकी समस्या दूर हो जाएगी लकी अंक एक लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है तो वही बात अगर हम धनु की करें तो दिन बहुत बढ़िया है आपके लिए गोचर कुंडली में लाभ तीसरे का चंद्रमा वो भी मंगल के नक्षत्र में उपयोगी बनाए हुए हैं आज के दिन को भाग्य आपके साथ है पिता के साथ संबंध ठीक ठाक भाइयों से सहयोग मित्र से सहयोग यहां तक कि पड़ोसियों के साथ भी संबंध में अगर परेशानी आ गई थी वो भी ठीक होता दिखाई पड़ रहा है दिन आपके पक्ष में है सो दिन भर आप अपने फायदे की सोचिए जहां से भी लाभ हो सके ऐसे कार्य करिए आपके काम की तारीफ चुहोर होने वाली है मेहनत जितना अधिक से अधिक कर सकते हो करिए भागदौड़ थोड़ी ज्यादा होगी लेकिन सफलता आपको मिलने वाली है आपका हर फैसला सही रहने वाला है पार्टनरशिप में अगर आप काम करते हैं तो वहां फायदा मिलेगा पैसे का अगर कहीं भुगतान करने वाले हैं यहाँ पर लापरवाही हो सकती है पूरा ध्यान दीजिए जीवन साथी अगर आपका नाराज है उन्हें मनाने की कोशिश करिए जीवन साथी की जरूरत को समझने की कोशिश करिए उनका पूरा सहयोग दीजिए और विद्यार्थियों की बात करूँ तो समय ठीक है आपके लिए मन पढ़ाई में लगेगा और मन लगा करके जितना हो सके पढ़ाई करिए और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के सावधान तो रहना ही होगा क्योंकि जोड़ों में दर्द से आप परेशान हो सकते हैं शिव मंदिर में जाइए आज भोलेनाथ का दर्शन करिए और थोड़ा सा मिश्री शिव मंदिर में आज दान कर दीजिएगा मकर के जातकों को आज बहुत सचेत रहना है स्पष्ट अगर आप वक्ता हैं तो वाणी पर नियंत्रण कर लीजिए और किसी की बात को एकाएक मानने से भी बचिए मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि किसी की बात को मत मानिए लेकिन कोई भी योजना आपके सम्मुख रखी जा रही है और उस पर तुरंत अपनी स्वीकृति दे दे रहे हैं या उसमें शामिल हो जा रहे हैं तो नुकसान होगा कार्यस्थल पर भी देखा जाए तो आज थोड़ी चिंता परेशानी रहने वाली है बल्कि संभव है कि लोग आपकी वाणी के कारण ही आपसे प्रभावित होने की जगह आपकी बातों का बुरा मान जाए राज की बात हर किसी से अपनी बात हर किसी से मत कहिएगा प्रेमियों के लिए दिन ठीक नहीं दिखाई पा रहा है प्रेम संबंध में थोड़ी परेशानी मतभेद तू मैं की स्थिति दिखाई पड़ रही है प्यार का इजहार न करें और दाम्पत्य जीवन में किसी पुरानी बात को लेकर के या किसी तीसरे की वजह से आज गलत स्वामी उत्पन्न हो जाएगी जिसके चलते तूतुमय -तू में मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी विद्यार्थी अपने नतीजे से आज जो भी आपको परिणाम मिल रहा है उससे खुश नहीं होंगे और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है स्वास्थ्य में परंतु लंबी यात्रा पर जाने से आपको बचना चाहिए बजरंग बाण का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा लकी अंक एक लकी कलर आपके लिए आज कथई है कुंभ के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना और बाकी के अगर देखा जाए तो सूर्य का परिवर्तन तो हुआ ही है कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है कुछ नया करने का विचार मन में ला रहे हैं तो लाइए परंतु धैर्य बनाए रखना है जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना प्लानिंग के साथ ही काम करिए तो सफलता मिलेगी धन के मामले में आज का दिन ठीक ठाक रह रहा है यात्रा की तैयारी कर रहे हैं तो यात्रा कर सकते हैं नौकरी में बदलाव करने की सोच रहे हैं कर सकते हैं सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए बहुत बढ़िया दिन कार्य क्षेत्र में सम्मान मिलेगा सफलता मिलेगी आज धन उधार मत दीजिए और धन से संबंधित कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं तो बहुत सोच समझ करके उठाइए प्रेमियों के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है बस इतना ध्यान रखिएगा कि प्रेमी की बात नहीं मानते हैं प्रेमी की भावनाओं की अनदेखी करते हैं तब बात बिगड़ जाएगा विद्यार्थियों को जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए बाकी पढ़ाई के लिए दिन ठीक है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में आपको कफ जन्य रोग की संभावना है कफ जन्य रोग की शिकायत हो सकती है आज शिव मंदिर में जाइए शिव जी पर आज दूध अर्पित करिए थोड़ा सा लकी अंक एक लकी कलर आपके लिए सफेद है और मीन के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके बारहवें में होना मंगल के नक्षत्र में और देखा जाए तो सूर्य का परिवर्तन आपकी राशि से जो हो रहा है वो राशि से पंचम में ठीक है कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं तो सोचिए परंतु बहुत सचेत और सावधान होकर के जो जरूरी काम है उन्हें पहले पूरा करिए एक के बाद एक काम करिए एक साथ बहुत से काम करेंगे तो आज आपको नुकसान हो जाएगा परेशानी में पड़ेंगे परिवार का माहौल भी कुछ बिगड़ता दिखाई पड़ रहा है और एक और बात ध्यान रखिए कि अपने निजी जीवन के बारे में आज किसी से भी कोई बात मत कहिएगा आपकी कोई गुप्त बात बाहर निकल सकती है तो उसे बचाइए समझल संभलिए नहीं तो बदनामी के रास्ते बनेंगे क्षेत्र में कामकाज थोड़ा ज्यादा रहेगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं व्यापारी जोखिम भरा फैसला न लें और खर्च पर अपने नियंत्रण रखें किसी 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 भी 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 बात को लेकर के किसी के भी साथ किसी भी तरह की जबरदस्ती न करें प्रेमियों के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई रहे हैं परंतु प्यार का इजहार न करें और दाम्पत्य जीवन ठीक है विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन मेहनत से परिणाम आपके पक्ष में आएंगे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत परेशानी तो आज रहेगी विशेषकर कफ जन रोग की संभावना है आज चने की दाल से अगर निर्मित लड्डू बन जाए तो वो जाकर के आप गणेश के मंदिर में अर्पित करिए गणेश जी को आपकी सभी कामनाएं इससे पूर्ण होगी लकी अंक एक लकी कलर आप के लिया केसरिया है तो प्रिय दर्शकों ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल अभी के लिए बस इतना ही इजाजत दीजिए पुनः मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार